हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। कल एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं नहीं आ पाया लाइव। और आज मैं टाइम निकाल पाया हूँ। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही, कोहरा पड़ रहा है हर तरफ, तो बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके अलावा कल थोड़ा दुखद रहा कल का दिन, क्योंकि मेरा एक खरगोश था, बड़ा ही प्यारा, 6-7 साल का था वो। कल वो ठंड की वजह से एक्सपायर कर गया, इस वजह से भी थोड़ा दिन अच्छा नहीं गुजरा मेरा। तो मन भी नहीं करा कल ब्लॉग बनाने का इसी वजह से। तो आज थोड़ा मैं सही महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि अपने फ्रेंड्स लोगों के पास लोगों से कनेक्ट करूँ, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और सुनाइए आप लोग कल का। हाँ, कल का एक और बात बताना चाहता हूँ। कल का स्टेटस जो था मैच का, वो भी मैच भी कल का दिन ही ख़राब ही था। कल मैच भी रद्द हो गया साला, पूरे दिन कुछ भी मैच नहीं हुआ। इंडिया साउथ अफ्रीका का पूरा दिन बारिश में रो गया। अब आज देखो कैसा मौसम रहता है वहाँ पे, अगर मैच हुआ तो मैच बच पाएगा, वरना ड्रॉ हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं निकल पाएगा हार जीत का। की वजह यही है कि रिजल्ट नहीं निकल पाने की, कि मतलब जो गेम चल रहा है उस हिसाब से बारिश हो रही है, दिन ख़राब हो रहे हैं, तो टाइम भी ओवर हो रहा है वहाँ पे, तो जीतना मुश्किल ही लग रहा है मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से, और बाकी आज एशेज सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फिर से धूल चटा दी है, तीसरा मैच भी जीत लिया है, और उसी के साथ उन्हें सीरीज़ भी कब्जा कर ली है। उम्मीद नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इतना आसानी से सीरीज जीत जाएगी, इंग्लैंड से टफ कंपटीशन की उम्मीद थी, पर वो बिल्कुल बेकार साबित हुए। इससे बढ़िया तो हमारी टीम इंडिया है, जो कम से कम पिछले 2 बार से कंटिन्यू वहाँ पर जीत रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज का मौसम बड़ा सुहाना है, आपको मैं दिखाता हूँ अपना मौसम का दृश्य दिखाता हूँ कि मौसम आज कैसे चल रहा है। वाला मौसम, धूप का कहीं से कहीं दूर से दूर तक कोई नाता नहीं दिख रहा है, कोरा ही कोरा है, पक्षी भी उड़ रहे हैं हर तरफ। नहीं, कोरा ही कोरा हो रहा है सब, बिल्कुल। मुझे कैब भी बनना पड़ेगा, ठंड लग रही है ज्यादा ही कुछ। ठंड की वजह से कल सिरदर्द भी बन गया था। आज प्लान बनाता हूँ, कहीं जाता हूँ, घूम कर आता हूँ, मौसम अच्छा हो रहा तो हौड़ी वगैरह खा के आता हूँ। अब कुछ चीज़ें यार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी जो जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, उस स्टेज में क्रिप्टो मार्केट में भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, शेयर मार्केट भी डाउन जा रहा है। ऐसे में कुछ और तरीके हमें निकालने होंगे, जिससे जिससे हम अपना बिजनेस ग्रो कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे रखे, तो शायद हम लोग उस तरह से अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए। और मेरे यहाँ बात बिजनेस की नहीं है, मेन बात यहाँ पर है आप के पास क्या ऑप्शन है अर्निंग के, क्योंकि आज की डेट में एक ऑप्शन से आप नहीं कमा पाएंगे, आपको कई सारे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे अर्निंग के। और मेरे घर में तो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू अर्निंग की जा सकती है, जिसमें पहला ऑप्शन तो एक एफिलिएट मार्केटिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ें तो बहुत अच्छी अर्निंग होती है उसमें, थोड़ा सा काम करने पर ही अच्छी अर्निंग हो जाती है। उसके अलावा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, इसके थ्रू अच्छी अर्निंग कर, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बाकी कौन सा क्लिक कर जाए वो तभी तो मालूम पड़ेगा जब हम उसको ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो मालूम कहाँ से पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि हम ट्राई करें, कोशिश करें,
अभी मौका है, और जिस दिन शुरू करेंगे उसी दिन सवेरा है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम निकल गया है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में आप जब तक हैं, जब तक खड़े हैं, आप स्ट्रगल करते रहेंगे, और स्ट्रगल तो करना ही करना है यार किसी को। आप चाहे कितना भी और आप काम नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, खाली बैठ जाएंगे तो फिर स्टॉप तो वैसे ही लग जाना है। बट असल में जो तरीका है वो यही है कि हम स्ट्रगल करते रहें, काम करते रहें, कोशिश करते रहें। हम कोशिश करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे, पर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे तो रिजल्ट चाहे भले नहीं मिले, पर हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेंगे। बस थोड़ा यह है कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो हम अचीव नहीं कर सकें। हम सभी लोग कुछ ना कुछ अचीव अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, बस काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। तो आप बस एंजॉय करें लाइफ को और काम करते रहें, प्लान्स अपने एग्जीक्यूट करते रहें, मौके बनाएं, मौके गवाएं नहीं, क्योंकि अभी मौके अच्छे हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस में बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, तो एफर्ट्स लगाएं और प्लान एग्जीक्यूट करें। प्लान दोस्तों के साथ मिलकर करें, भाई बंधुओं के साथ मिलकर करें, पर करें जरूर। मेरे भी बहुत से प्लान्स हैं जो मैं हल्के हल्के एग्जीक्यूट करते रहता हूँ, और कभी सफल नहीं होते, पर हाँ ये है कि एक आध तो सफल हो गई सब में से, तो कोशिश करते रहना ही है। हमारी कोशिश में कोई कमी ना रहे, हम काम करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें और अच्छे विचारों के साथ ही अंत करें। किसी का बुरा करने की नहीं सोचें, अच्छी कोशिश करें, अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। अच्छे करने के बाले के साथ बुरा कभी नहीं होता। सच के सत्य के रास्ते पर चलें, बढ़िया करें, मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी। यही मेरा मानना है, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ सीखना है लाइफ में तो आप गीता, भगवत गीता को भी पढ़ा करें। भगवत गीता में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे नज़र में। तो आप पूरी कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को बुरा ना हो पाए, और हम जो करें वो सही करें, तो हम इससे हमें हमारी लक्ष्य प्राप्ति हो पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ देर में या फिर शाम में फिर मिलता हूँ। अभी मैं थोड़ा ना काम देखता हूँ बैठकर, और शाम में टाइम निकाल कर मैं फिर से आपको मिलूँगा। आप फ्रेंड्स थोड़ा मेरा वीडियो देखें, वीडियोस को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि मैं क्या कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, क्या कमी रह रही है मेरे ब्लॉग्स में, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। तो मैं काम कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलें। यूट्यूब पे ब्लॉग डालकर मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ें, मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ यूट्यूब के द्वारा। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, अब उनके साथ हम गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करते रहें, मैं भी कोशिश करता रहूँगा। हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही आगे बढ़ सकते हैं। एक हाथ से तारे नहीं बजती, उसी तरीके से हम एक हाथ से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें, मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों को शायद मेरा भी चाहिए होगा, तो मैं पूरी तरीके से लोगों के साथ हूँ। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और इस पर डेली व्लॉग डाल सकूं। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल आपको बताइए अजय गुप्ता व्लॉग्स है, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई चैनल है तो आप मुझे लिंक शेयर करें, मैं आपका चैनल भी लाइक करूंगा, लाइक सब्सक्राइब दोनों ही करूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मैं अपना काम देखता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।